हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों? आज आपके लिए लेके आए हैं रासायनिक पन। बच्चों, ये सीरीज हमने हिंदी में शुरू करी है उन बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी हैं, जिनको दिक्कत होती है। यहाँ पे हम लोग पूरा हिंदी में पढ़ेंगे, बीच बीच में कुछ टर्म हम लोग इंग्लिश में भी लेंगे ताकि आपको आइडिया रहे। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम रहेगा रासायनिक बंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो ये शुरू करने से पहले हम लोग शुरू जानते हैं कि बंध होता क्या है। और बच्चों, बंध को क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है? तो बच्चों, बॉन्ड क्या होता है? एक ऐसा बल होता है जो दो या दो से ज्यादा परमाणुओं को जोड़ के रखता है। बात समझ में नहीं आई? तो आइए पहले जानते हैं क्या वह बल जो दो या अधिक परमाणुओं को जोड़ता है, जोड़कर अणु का निर्माण करता है। सब जानते हैं इसको? तो देखिए बच्चों, क्या हुआ? वह बल जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को आपस में जोड़ के अणु का निर्माण करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि यहां पे देखिए इस अभिक्रिया को, तो इस अभिक्रिया में H परमाणु के साथ रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है और ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं। एच एच के बीच में सिंगल लाइन दिखा रखी है। बच्चों, जो यहाँ पे लाइन दिखाई है यही लाइन कहलाती है बॉन्ड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एच टू अणु। तो ये क्या बना? ये बना अणु और ये क्या थे आपके? परमाणु। तो परमाणु आपस में जुड़े तब जाके बना अणु। और अणु जो होता है वो होता है समूह। किसका? परमाणुओं का। तो बच्चों, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ते हैं बंध की सहायता से, तब बनता है हमारा अणु। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं आपसे बोलता हूं कि जाओ आप थोड़े से बाहर जाइए, क्लास से बाहर जाइए और कुछ n परमाणु को ढूंढ के लाइए, तो आप खाली हाथ आएंगे, निश्चित रूप से परमाणु आपको नहीं मिलेगा। कैसी बात कर रहे? ढूंढ के देख लीजिए, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि जाओ N2 अणु लेके आओ, तो हाँ ये आपको इजीली मिल जाएगा। अब ये N2 गैसीय अणु है बच्चों, और वायुमंडल में सबसे ज्यादा मिलने वाली गैस N2 ही होती है। ये मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्थाएं मिलती है, लेकिन ये आपको स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में नहीं मिलेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि परमाणु जो होते हैं वो अस्थाई होते हैं। क्लियर है? लेकिन अणु कैसे होते हैं? ये स्थाई होते हैं। और बच्चों, आप जानते हैं अस्थाई यानी जिनका कोई वजूद नहीं होता है, आज है अगले ही पल नहीं होंगे। तो जो अस्थाई है वो प्रकृति में नहीं मिलते हैं। प्रकृति में हमेशा वही चीजें मिलती हैं जो स्थाई होती हैं। तो इसलिए आपको N2 अणु मिलेगा वायुमंडल में, लेकिन आपको N परमाणु नहीं मिलेगा क्योंकि ये अस्थाई होता है। बात समझ में आती है? अब यही चीज आपको समझनी है, यहाँ पे इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है। N परमाणु यहाँ पे H परमाणु आपस में क्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं H2। बच्चों, मैं दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, फिर से देखिए। N परमाणु के साथ जुड़ा और यहाँ पे इस बार बन गया हमारा N2 अणु। अब आप थोड़ा फिर समझिए मेरे साथ कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे N परमाणु दोनों आपस में बंध बना रहे हैं। यहाँ पे बंधों की संख्या 3 है, यहाँ पे बंध की संख्या 1 थी, एकल बंध, त्रिबंध, 3 है, त्रिबंध बोलेंगे, 2 होगा द्विबंध बोलेंगे, हम जरूर देखेंगे आगे चल के। तो यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि N परमाणु आपस में बंध बनाते हैं और जुड़ जाते हैं, और जब परमाणु जुड़ते हैं तो बनता है अणु। यही आपको ऊपर समझाया गया था।
अब यहाँ पे फिर से वही सवाल है कि अणु बने क्यों? तो बच्चों परमाणु क्यों होते हैं? वो अस्थाई होते हैं, जबकि अणु कैसे होते हैं? स्थाई होते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो बच्चों उसका जवाब है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम, इसका वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। अष्टक का नियम ये थोड़ा आप समझ लीजिए, कुछ पॉइंट है। अष्टक का नियम बोलता है कि वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के, तो मैं यहां लिख भी देता हूं बच्चों। बच्चों ये अष्टक का नियम बड़े काम का नियम है, ये आपको पता होना चाहिए। अष्टक का नियम ही आपको इस बात के लिए आंसर दे पाएगा, जवाब दे पाएगा क्रियाएं क्यों होती हैं, बंध क्यों बनते हैं। वे परमाणु जिनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे स्थाई होते हैं। इसका मतलब है कि जिस परमाणु के बाह्यतम कोष में 8 नहीं होंगे वो कैसा होगा? बिल्कुल सही बोला आपने, वो अस्थाई होगा, नहीं मिलेगा। यानी कि मैं अगर बोलता हूं कि परमाणु अस्थाई होते हैं, जी हाँ परमाणु अस्थाई होते हैं अक्रिय गैस तत्वों को छोड़ के। याद रहेगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, बच्चों ये कहलाते हैं अक्रिय गैस तत्व या शून्य समूह तत्व। ये जो होते हैं ये अक्रियाशील होते हैं क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन बाकी जितने भी परमाणु हैं उनका अष्टक पूरा नहीं होता है, अपूर्ण होता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? अस्थाई। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि परमाणु अस्थाई होते हैं अपने आप को स्थाई बनाने के लिए, परमाणु अपने आप को स्थाई बनाने के लिए आपस में क्रिया करते हैं और बनाते हैं स्थाई अणु। क्लियर हो रहा है आपको? ये तो क्लियर हुआ। अब सवाल ये है कि बंध की आवश्यकता, तो मैं यहां पे लिखता हूं बच्चों बंध की आवश्यकता। तो इसका जवाब तो मैं आपको दे चुका हूं कि बंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है। फिर समझिए, बंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? परमाणु अस्थाई होते हैं, जो परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं वो अस्थाई होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कैसे हैं? अस्थाई हैं। पर अपने आप को स्थाई करने के लिए ये अन्य परमाणुओं के साथ रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने के बाद ये बंध की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं स्थाई अणु। क्लियर हुआ? तो स्थाई अणु बनाने के लिए या परमाणुओं को स्थाई होने के लिए बंध की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये क्लियर है? अगर बंध ना हो तो बच्चों ये परमाणु भाग जाएंगे और गाना गाएंगे, इधर चला मैं उधर चला, पता नहीं मैं किधर चला। ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर? क्योंकि ये अस्थाई होते हैं, ये रुक नहीं सकते, ये विद्यमान नहीं होते हैं, ये नहीं मिलेंगे आपको। तो ये अपने आप को बंध की सहायता से स्थाई बनाते हैं और ये अणु में परिवर्तित हो जाते हैं, अणु स्थाई होते हैं, ये आपको मिलते हैं। क्या ये क्लियर हुआ आपको? अब सवाल आता है बंध कैसे बनता है, बंध कैसे बनता है। तो अगला सवाल ये है बच्चों, बंध कैसे बनता है? तो बॉन्ड या बंध जो बनता है वो रासायनिक क्रियाओं में संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या फिर साझे से बनता है, सहभाजन से बनता है। क्लियर हुआ? डिस्कस करेंगे, आप नोट करते रहिए, नोट्स बना लीजिए, जो जो बोल रहा हूं जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे नोट कीजिए। देखिए चुटकियों में आपका काम हो जाएगा और आप मास्टर बन जाएंगे, क्लास में हीरो बन जाएंगे, आप बता सकेंगे और दूसरों को समझा भी सकेंगे। तो क्लियर हुआ बंध कैसे लिख पा रहे? जब डिस्कस किया था परमाणु संयोजी, अपने संयोजी का मतलब होता आखिरी वाला, बाहर वाला। क्लियर हो रहा है? तो परमाणु जो होते हैं वो अपने बाहर वाले अंतिम संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को या उनका आदान प्रदान करेंगे या फिर उनका साझा करेंगे, सहभाजन के द्वारा बंध बनाते हैं। क्या ये क्लियर है आपको? अब लेते हैं बच्चों बंध के प्रकार। ये बनने वाले बंध जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाला वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध कहलाता है, दूसरे वाला सह संयोजक बंध कहलाता है, तीसरे वाला उप सह संयोजक बंध कहलाता है।
आइए बच्चों को लेते हैं, आयनिक बंध होता क्या है। तो देखिए आपको बताया था अभी कि वह बंध जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है वह बंध कहलाता है आयनिक या वैद्युत संयोजी। उदाहरण लेते हैं बच्चों, उदाहरण लेंगे NaCl। क्या क्लियर है आपको? अब होता क्या है बच्चों, NaCl की अगर बात करें तो आप जानते हैं Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2, 2, 8, 1, और बच्चों Cl का होता है परमाणु क्रमांक 17, 17, 2, 8, 7। तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूं, ये देखिए यहाँ पे ये इनका संयोजी कोष है। तो आप देख पा रहे हैं सोडियम के बाहर वाले अंतिम कोष या संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है और सीएल के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी डिस्कस किया था अष्टक का नियम, तो प्लीज आप बताइए कि क्या सोडियम का या क्लोरीन के आखिरी कोष में संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है? जी नहीं, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों कैसे होंगे परमाणु? अस्थाई। अभी क्या करेंगे, प्रकृति में ये नियम है, हर एक पदार्थ, हर एक यौगिक, हर एक वस्तु अपने आप को स्थाई करना चाहती है और इस स्थाई करने की प्रक्रिया में वो किसी भी हद तक जाती है। तो होगा क्या, यहाँ पे NaCl बनता है Na और Cl के रासायनिक संयोग में, संयोग से। अब होता क्या है बच्चों वो थोड़ा समझिए। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूं इसका लुईस संरचना। लुईस संरचना क्या होती है बच्चों, अगर आप किसी परमाणु के प्रतीक को लिखने के बाद उस पर डॉट की सहायता से उसके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं तो वह कहलाता है लुईस संरचना, लुईस प्रतीक। क्लियर हुआ? तो ये लुईस संरचना क्या होगी, किसी परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करना। तो सोडियम के संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ पे एक गुट बना दिया। अब देखिए बच्चों ये है आपका Cl, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्रॉस बनाता हूँ ताकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों दिखाई पड़े किसका कौन सा इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैंने सही बनाया है? नहीं, मैंने गलत बनाया, मुझे 7 बनाने चाहिए थे, 7 क्रॉस यानी 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन Cl के। तो ये लुईस संरचना हो गई Cl परमाणु की। अब देखिए होगा क्या, दोनों है आधे अधूरे, होना चाहते हैं पूरे। तरीका क्या है, आयनिक बंध कैसे बनाएंगे हम भाई, अगर ये Na एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा और इसका विन्यास होगा 2, 8, समझ पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये वाला कोष जो है संयोजी हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे 8। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 8, अर्थात Na इलेक्ट्रॉन देगा और Cl इलेक्ट्रॉन लेगा। और आप देखे थे कि वह बंध जो दो या दो से अधिक परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। तो देखिए मैंने क्या दिखाया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो बच्चों होगा क्या, यहां पर जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो देने से आवेश आता है प्लस, क्लियर हुआ, और लेना, लेना माने कर्ज, समझ में आता है, ऋण, इस पे ऋण आवेश आएगा यानी इस पे आवेश आएगा माइनस। क्या है, क्लियर है आपको? तो सोडियम हो गया धनावेशित आयन और Cl हो गया ऋणावेशित आयन। अब इन दोनों के बीच में तीव्र आकर्षण बल लगता है और ये जो बल है ये दोनों आयन को बांध के रखता है। क्लियर हुआ? तो आप देख, आपको बताए थे कि बल क्या होता है, बंध। जी हाँ, बल क्या होता है, बंध होता है, जो दो या दो से अधिक परमाणुओं को बांध के रखता है। और बच्चों यही तो है अपना आयनिक बंध, यानी कि ऐसा बंध जो आयन के बीच बनता है वो कहलाता है आयनिक बंध। अब होता क्या है कि Na पे प्लस वन है, Cl पे माइनस वन है, तो ये दोनों आवेश बराबर मात्रा में है तो इसलिए NaCl कैसा होगा, उदासीन होगा, प्लस माइनस को कैंसिल करेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आवेश की मात्रा बराबर है इसलिए आवेश को दिखाते नहीं है। क्लियर हुआ?
प्लस वन माइनस वन आवेश की मात्रा एक है, इसलिए NaCl लिखा। तो ये बनाया हमने आयनिक बंध। बच्चों एक एग्जांपल और ले सकते हैं आपके लिए अगर आप चाहें तो, वो है CaCl2। तो यहाँ पे एक Ca का कैल्सियम परमाणु और दो Cl के परमाणु आपस में जुड़े और बनाया CaCl2 का अणु। तो हम लोग देखते हैं ये बनेगा कैसे। तो इसके लिए सिंपल सी भाषा में पहले आपको पता होना चाहिए कैल्सियम का परमाणु क्रमांक, वो होता है 20 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2। और अब बात करते हैं Cl, वो हमने ऊपर देखा था 2 8 7। तो आप ये बताइए यहाँ पे कैल्सियम के और क्लोरीन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। जवाब आपने पाया होगा कैल्सियम के बाह्यतम कोष में संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, Cl के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों परमाणुओं के संयोजी कोष अपूर्ण है, ये अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये अस्थायी होंगे। अस्थायी होंगे तो अपने आप को स्थायी करने के लिए रासायनिक क्रिया में भाग लेंगे। भाग कैसे लेते हैं देखिए, एक हम बनाते हैं अब कैल्सियम और क्लोरीन का लुईस संरचना। तो मैं यहां पे आपको ये देखिए 7 ऐसे यहां पे डॉट बना रहा हूं। ये 7 डॉट का मतलब है क्लोरीन के 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये देखिए क्लियर हुआ। और कैल्सियम के बाह्यतम कोष में कितने होंगे, तो जवाब सही बोला आपने सर, कैल्सियम के पास 2 होंगे, आप देख पा रहे हैं। अब जब ये रासायनिक क्रिया करेंगे तो रासायनिक क्रिया में बच्चों अगर ये कैल्सियम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लेते, देखिए बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन तो उसको कोई देने वाला नहीं है, यहाँ पे Cl उसको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो आप देख पा रहे हैं इसका विन्यास हो जाएगा 2 8 8, यानी संयोजी कोष में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा स्थायी, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हो जाएगा स्थायी, समझा भाई। अब क्या होगा यहाँ पे Cl एक इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों एक को नहीं, एक चाहिए तो एक इसको एक इसको। अब ये बताइए कैल्सियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, बताइए बताइए। तो सही बोला आपने 2, Cl ने कितना लिया 1। तो ये देखिए ये क्या बना, तो ये हमारा बना CaCl2। अब इन दोनों के बीच क्या लगेगा, तीव्र आकर्षण बल, और वो तीव्र आकर्षण बल इनको बांध के रखता है और वो बल का नाम है आयनिक बंध। इसको वैद्युत संयोजी बंध भी बोलते हैं क्योंकि यहां परमाणुओं पे वैद्युत आवेश आ चुका है, आवेश विपरीत है और विपरीत आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित रखते हैं, आवेश की मात्रा बराबर है तो इसलिए हम लोग इसको एक साथ संगत मात्रा में CaCl2 भी लिखते हैं। तो आप बताइए NaCl और CaCl2 कैसे कंपाउंड है, कैसे यौगिक है, तो आंसर है कि ये आयनिक यौगिक है कि इनके बीच में बंध होता है आयनिक, ये आयनिक बंध की सहायता से बने हैं, इसलिए इन यौगिकों की प्रकृति आयनिक है। क्लियर हुआ, इनको वैद्युत संयोजी यौगिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक, याद रहेगा आपको। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे विद्युत संयोजकता, विद्युत संयोजकता क्या होगी, तो बच्चों ये होता है किसी भी परमाणु के द्वारा आयनिक बंध बनाने में लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संख्या बोला है बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब मैं अगर पूछता हूं कि बताइए NaCl में Na और Cl की विद्युत संयोजकता क्या है, तो आप देख पा रहे हैं Na एक इलेक्ट्रॉन देता है, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो Na की सही विद्युत संयोजकता 1 और Cl की विद्युत संयोजकता भी 1 होगी। इसी प्रकार CaCl2 में कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो कैल्शियम की विद्युत संयोजकता 2 होगी और Cl की विद्युत संयोजकता 1 होगी। Cl की पूछा है, Cl2 की नहीं पूछा है, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो Cl की विद्युत संयोजकता 1 होती है, क्या ये आपको याद रहेगा। तो बच्चों ये था हमारा पहला बंध आयनिक बंध, आगे आने जुड़े रहिए हमारे साथ रसायन माला में, पढ़िए पढ़ाइए और लाइफ बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।